हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में हम लोग देखेंगे भौतिकी फिजिक्स से रिलेटेड टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे विज्ञान से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपके परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा पार्ट 1 है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं, लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। जिन लोग पुराने स्टूडेंट हैं उन लोग भी लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा गया है कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, जिन लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उन लोग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सरल होगा। ठीक है, साइंस से सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस साइड उपकरण का नाम दिया है, इधर ऊर्जा का रूपांतरण। तो देखते हैं, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर, जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, तो यह भी क्या है, सही है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो यह भी क्या है, सही है। लेकिन सितार क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये क्या है, गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? ठीक है, आप लोग को इसको बताने से पहले ये देख लीजिए कि ये हमारा पृथ्वी मान ली जाए। ठीक है, तो इसके क्या है, जमीन के जो निचले स्तर है इस पर जो क्या है, वायु का वेग जो रहता है। ठीक है, वायु का सघनता वो क्या रहता है, अधिक रहता है। जहाँ वायु का सघनता अधिक है मतलब इसका जो दाब है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो जस्ट ऊपर धीरे धीरे जाएंगे तो क्या होता है, वायु का जो सघनता है उसमें कमी आता है, मतलब वायु की विरलता क्या होती है, चालू होती है, जिससे क्या होता है, दाब कम होने लगता है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें वायु ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, दाब रहेगा ही नहीं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो दाब है वो क्या होते जाएगा, घटता जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, घटता जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रास्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, प्रास्रव्य तरंगे को हम क्या करते हैं, सुन पाते हैं कि नहीं, ये बताइए कमेंट करके। जिन लोग साइंस बैकग्राउंड से है ना उन लोग बताना। ठीक है, सब जिन लोग साइंस बैकग्राउंड से उन लोग के लिए बताने कंपलसरी है। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम के किन कणों पर निर्भर करती है? तो जो ध्वनि की चाल है वो किन कणों पे निर्भर करेगा, वो प्रत्यास्थता पे और घनत्व पे निर्भर करेगा। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि देखिए ध्वनि क्या होता है, ध्वनि एक मान लिया जाए तरंग के टाइप में जा रहा है, तो जिसका जो उस माध्यम है उसका घनत्व सॉरी उसका जो सघनता है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, वो तेजी से पहुंचेगा वो ध्वनि। लेकिन यदि कोई माध्यम है उसमें क्या है, विरलता है, तो वो क्या होगा, लेट से पहुंचेगा ध्वनि। तो ये भी याद रखिएगा, सघन माध्यम में ध्वनि तेजी से जाता है और विरल माध्यम में ध्वनि क्या होता है, लेट से जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल होती है, तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, शुष्क वायु में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि देखिए जो पुरुष की अपेक्षा क्या होता है, महिलाओं का जो ध्वनि है ठीक है वो क्या होता है, पतली होती है। ठीक, तो इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, तो इसका जो मेन रीजन है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्त्रियों की ध्वनि का तीव्रता सबसे कम होता है, मतलब कम होता है पुरुषों की अपेक्षा, इसलिए क्या होता है, पतला लगता है। लेकिन इसके अपवाद में एक दो है, उसको समझिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत, यहाँ दूसरा लिखा गया है, ध्वनि स्रोत
मतलब जो श्रोता है वो, एवं प्रावर्तक, ठीक है, तो यह मान लिया जाए एक ध्वनि श्रोता है, ठीक है, यहाँ कोई भी है, एवं प्रावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रावर्तक हो मतलब ठीक है, वापिस हो रहा है ध्वनि, तो इसके मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इसके मध्य की दूरी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसके मध्य की दूरी होना चाहिए 17 मीटर, ठीक है, 17 मीटर होना चाहिए। तो आप लोग को पता तो चल गया होगा कि श्रोता ये जो है और ये जो प्रावर्तक है, इसके मध्य की दूरी यदि 17 मीटर रहे तो जो ध्वनि है वो क्या होगा, स्पष्ट सुनाई देगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट दोनों तापमापियों के मान क्या होते हैं, समान होते हैं, मतलब जो सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है ये क्या रहेगा, समान रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान जो है वो क्या रहता है, समान रहता है, बराबर रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब ये क्या है, दोनों तरंगे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पूछा गया है, अधिक पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बैगनी कलर का, ठीक है, बैगनी कलर का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज्यादा अधिक रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का रंग नीला क्यों, सॉरी, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में प्रकाशी तंतु आएगा, रेगिस्तान में मरीचिका, कांच में आई दरार का चमकना, यह भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये तो आप लोग को पता होगा, रेगिस्तान में मरीचिका क्या होता है, जो भ्रम पैदा हो जाता है प्यासे को, ठीक है, साइंस वाले को पता होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग उस रंग को कहा जाता है जो नॉर्मली यूज होता है, जो कॉमनली यूज किया जाता है, तो वो कौन सा है, तो वो है लाल, नीला, हरा, ठीक है, ये तीनों रंग है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, मतलब यदि यहाँ कोई व्यक्ति है तो इसको जो स्पष्ट दृष्टि है वो देखने के लिए सामान्य आंख में यहाँ कुछ वस्तु है तो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, यदि मान ले जाए आप लोग आंख को बंद किए हैं तो आप लोग को रंग कैसा दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा काला, ठीक है, काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत बल्ब के भीतर क्या रहता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ठीक है, विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, बिजली के फ्यूज तार किसका बना होता है, तो इसका जो फ्यूज तार है ये किसका बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं टीन के मिश्र धातु से बना होता है, इसमें क्या रहता है, तांबा और टीन रहता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यांत्रिक है जो क्या करता है, जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, मतलब अल्टरनेटिव करेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, तो क्या है, उच्च अल्टरनेटिव करंट या उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज में, सॉरी, निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, यह क्या है, सही है, ठीक है, और क्या करता है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, मतलब जो निम्न स्तर का प्रत्यावर्ती धारा है उसको क्या करता है, उच्च में बदलता है, ठीक है, तो यह भी क्या है, सही है, अब सिर्फ एसी प्रत्यधारा में प्रयुक्त रहता है, तो यह भी क्या है, सही है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा के रूप में ही प्रयुक्त रहता है, तो यह क्या है, सही, ठीक, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, इसको आप लोग नाइन्थ के क्लास में पढ़े होंगे, नाइन्थ क्लास में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन जो पंखा रहता है, ठीक है, पंखा होता है, कूलर होता है, या कुछ भी उपकरण होता है, उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कूलर पंखा उपकरण वगैरह को समांतर क्रम में, लेकिन जो फ्यूज रहता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो संधारित्र होता है कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है आवेशों का संचय करना। ये क्या करता है? आवेश को, धन आवेश को, माइनस आवेश, जो भी आवेश रहे उसको क्या करता है? संचय करता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो परमाणु बम है, ठीक है, एटॉमिक बम है, वो किस सिद्धांत पे क्या करता है, आधारित रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विखंडन पर। इसके जो परमाणु नाभिकीय है वो क्या होता है? विखंडन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उगता एवं डूबता हुआ सूरज लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बी में दिया हुआ है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सी में दिया हुआ है उगते एवं डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का प्रकीर्णन उस टाइम सबसे कम होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जिस चीज का प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या दिखाई देगा, वही सबसे ज्यादा फोकस दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष क्या इकाई है? तो यह है दूरी मापने की इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, भारी जल, और जो CFC रहता है इसको क्या किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भारी जल को किससे दर्शाते हैं, D2O, ठीक है, और जो नॉर्मल जल रहता है उसको क्या करते हैं, H2O, और इसको क्या करते हैं, D2O, ठीक है, भारी जल, D2O। तो इस प्रकार ये दोनों क्या होता है, मंदक के रूप में कार्य आता है। और इसी प्रकार देख लीजिए, इसके जो नियंत्रण करता है, ठीक है, नियंत्रक के रूप में कौन कार्य आता, मतलब कौन यूज होता है, तो होता है बोरान का जो छड़ रहता है उसको क्या किया जाता है, इसके नियंत्रण के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बोरान के छड़ को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी के ताल, ये ताल लिखा गया है, ये क्या है, तल, ठीक है, ये मतलब ये पृथ्वी है, इसके ये वाला जो तल है, परत है, ठीक है, भूपर पट्टी का पलायन वेग है। तो इसका पलायन वेग क्या है, यदि यहाँ पे कोई वस्तु फेंक रहा है इधर, तो इसको फेंकने में जो गति से जा रहा है, पलायन वेग, इसका जो कर्व वेग है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पानी के बूंद की गोला होने का कारण, ठीक है, यदि आप लोग देखे होंगे बारिश भी होता है, ठीक है, बारिश होता है तो जो पानी गिरता है वो क्या गिरता है, बूंद के रूप में गिरता है। तो उस बूंद के रूप में गिरने का जो मेन कारण होता है वो होता है उसके पृष्ठ तनाव का। क्योंकि देखिए, पानी क्या है, एक प्रकार का तरल है, जब वो नीचे गिरेगा तो वो क्या करेगा, वो तरल जेली टाइप का है, समझिए, तो क्या हो जाएगा, सब मिल जाएगा और एक बूंद की तरह बन जाएगा, जिससे कारण वो क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा पृष्ठ तनाव, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सुमेलित नहीं है, तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है, तो इसका दिया हुआ है भौतिक राशि इस साइड, और इस साइड दिया है मात्रक। तो इसमें दिया है तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, अंगस्ट्रॉम, सही है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला,
ठीक है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है? तो समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक। ये जो दिया हुआ है ये क्या है? गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें पूछा गया है निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश है? तो किस समूह की सभी राशियां सदिश है? तो इसमें क्या हो जाए, सदिश राशियां किसको बोला जाता है? जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, जिसके दिशा और परिणाम, ठीक है, मतलब डायरेक्शन होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? सदिश राशि बोला जाता है। जैसे इसमें क्या है? संवेग है, त्वरण है, बल है, विस्थापन है, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है? ये सब का एक दिशा होता है और ये सब का क्या होता है? एक परिणाम होता है। इस कारण ये सब किस में आएगा? ये सब क्या हो जाएगा? ये सब क्या है? सदिश राशियां। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, सदिश राशियां। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका जो संवेग है वो दोगुना होगा। तो ये गलत है, उसका संवेग क्या होगा? दोगुना नहीं होगा, है ना, गलत, क्योंकि उसका संवेग क्या होगा? दोगुना होगा, ठीक है। उसका संवेग होता है दोगुना और उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? चार गुना। तो ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही है, ठीक है। कई लोग सोच रहे थे कि ये नहीं होगा, लेकिन किसी वेग को यदि दुगुना किया जाए तो उसका जो संवेग है वो भी क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है और उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाता है? चौगुना हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आ जाएगा, ठीक है। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हो, काफी लोग कंफ्यूज, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया जड़त्व का गुण, तो जड़त्व का क्या गुण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक। जो जड़त्व का गुण है वो किसमें होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक। नेक्स्ट, और जड़त्व का नियम जो दिया हुआ है वो कौन सा नियम कहलाता है? जो न्यूटन का नियम दिया गया है, ठीक है, पता होगा साइंस के स्टूडेंट को। तो उसमें से जड़त्व का नियम कौन से नियम को कहते हैं? कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो तापमान है, सॉरी पानी का जो आयतन है, ये क्या होता है? न्यूनतम होता है। लेकिन पानी का घनत्व क्या होता है? ये होता है अधिकतम। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब नेक्स्ट और लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? नहीं पूछा गया है ना, ये आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा गया था, ठीक है, पटवारी के ही क्वेश्चन में 2016 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जर्कोनियम। जर्कोनियम में क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, ठीक। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है, रेस्टार्टिन रेडियो एक्टिव तत्व है, ये सब किस में काम आएगा? जो रेडियो एक्टिव तत्व है ये सब क्या होता है? विखंडित होता है, और जितना ज्यादा विखंडित होगा उतना ज्यादा इसका मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा, ठीक है, बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार ये जो क्या है 35 क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए काफी सरल है, लेकिन जो बाकी है उन लोग के लिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।